दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे IRFC शेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम IRFC एंड टोटली पूरे रेलवे के स्टॉक्स में देखोगे, पीएच स्टॉक में देखोगे तो वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। देखिए मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि अभी के टाइम देखो तेजी नहीं आने वाली, तेजी आएगी बजट के आसपास, एंड बजट से पहले आपको वोलेटिलिटी में लाया जाएगा, मतलब जो आपका माल है वो भी बिकवाया जा सकता है। दोस्तों हाल ही में एक बड़ी अपडेट भी यहाँ पे देखने को मिली है, देखो सारी चीज इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। इसके साथ देखो जो मार्केट का डर है ना उसको आपको समझना पड़ेगा। देखो सारे शेयर भागे हैं, आरएनएल भागा, इरकॉन भागा, रेलटेल भागा, सारे शेयर यहाँ पे मैं भागते हुए नजर आई। कम से कम दोस्तों अराउंड 30 से 40% तक के रिटर्न हमें सब में देखने को मिले, बट IRFC ओनली फॉर यहाँ पे 20% से IRFC में रैली नहीं देखी इलेक्शन के इस बड़े इवेंट पर। और वो देखा जाए निवेशक अभी के टाइम परेशान है, एक ही सबका जो क्वेश्चन है वो रहता है कि भाई आखिर क्या करे स्टॉक में, क्या रुके या निकल जाए। देखो भाई जिस तरह से आप पैनिक हो रहे हो उस तरह से कई लोग पैनिक हो रहे हैं, एंड सबके मन में एक ही चीज आ रही है कि भाई अभी के टाइम इसमें से निकल जाए या नहीं निकले। क्योंकि देखो जब ये स्टॉक दोस्तों 100 रुपए से भागा था तब भी 100 रुपए पे आकर यहाँ पे स्टॉक भाई 90 रुपए पे वापस गया, फिर वहां से अगेन स्टॉक ने रैली स्टार्ट करी। वही सिचुएशन सेम चीजें अभी के टाइम हमें नजर आ रही है दोस्तों, थोड़ा वोलेटिलिटी में गया। आज अगर आप देखोगे तो 175 के आसपास अगेन हमें आता हुआ देखने को मिला, एंड करंटली स्टॉक का RSI भी बहुत हमें ओवरशोल्ड देखने को मिलता है, मतलब कोई ओवरबोर्ड RSI में ट्रेड नहीं करा कि स्टॉक को गिरना चाहिए, गिरेगा बट इतना नहीं गिरेगा कि यहाँ से आप पैनिक हो जाओ। इतना गिर सकता है अराउंड 1 या 2-3% के मान लीजिए। क्योंकि अभी के टाइम देखो लोगों का डर किस चीज का है, लोगों का डर है कि भाई ऑफर्स ना आए, क्योंकि हाल ही में जो गवर्नमेंट है वो एक और कंपनी का ऑफर्स लेके आ रही, तो उसके साथ साथ भाई डर है कि इसका ना लेके आ जाए। तो डर इस चीज का है कि भाई ऑफर्स अगर आ जाएगा तो स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा, क्योंकि मान के चलो ऑफर्स अभी के टाइम 175 पे ट्रेड कर रहा है, अगर ऑफर्स 150 पे अनाउंस कर दिया तो स्टॉक का 25 रुपए का भाव गिर जाएगा, मार्केट को लगेगा कि 25 रुपए ज्यादा ओवर वैल्यू ट्रेड कर रहा है, तो क्या होगा 150 पे आ जाएगा। बट एक चीज याद रखना, देखिए IRFC का मैं आपको अगर आप मानते हैं कि भाई आने वाले 5 साल में स्टॉक कहाँ जाएगा ये चीज आप रखते हैं तो आप अभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि भाई हाँ भाई इसके अंदर मैं रुक सकता हूँ। क्योंकि अगर आप एक अंदाजा किसी इन्वेस्टमेंट करोगे, एक ऐसा देख के करो कि भाई तेजी आ रही है तो मैं इसमें कर दूं, पहले भी भागा था अब भी भाग जाएगा, वही चीजें बन रही है, तो वो गलत रहेगा। आपको बिजनेस देखना है, एंड दोस्तों एक चीज तो कंपनी की देखिए, कंपनी का बिजनेस में कोई भी कमी नहीं है, कंपनी बिजनेस शानदार तरीके से कर रही है। कंपनी का आने वाले टाइम में यहाँ पे लोन बुक और कंपनी की बढ़ती हुई नजर आएगी, मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू वो भी बढ़ेगा। क्योंकि भाई देखो जो आपका रेलवे का विकास है ना वो अभी वो तीव्र गति से चलेगा। एक बार आप बजट देख लीजिएगा, मैं एक ही चीज कर रहा हूँ बार बार आपको कि बजट देख लो, बजट के पास आप जो डिसीजन लेना चाहो ले सकते हो, बट बजट से अराउंड 4-5 दिन पहले यहाँ पे फुल एक्शन में देखने को मिलेगा। भाई अभी के टाइम FI भी पूरी तरह से भाई नहीं कर रहा है, FI भी थोड़ा सा यहाँ पे PS स्टॉक से थोड़ा दूर है, एंड आपके DI भी थोड़े से PS से दूर है। क्योंकि हमने एक चीज देखी देखिए मई के महीने में कि जो आपके DI वाले हैं PS स्टॉक से इतना माल हल्का किया है, जैसा कि अपडेट भी हम देखेंगे। देखो मैं डाटा बता दूं, 2 करोड़ 66 लाख की टोटल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बहुत कुछ संकेत कर रही है, वॉल्यूम बता रही है कि भाई अभी के टाइम कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं है, एक छोटी सी वैल्यू के अंदर यहाँ पे स्टॉक में कारोबार देखने को मिल रहा है, गिरावट हुई, गिरावट में माल रिटेलर्स ने ही बेचा है, किसी बड़े प्लेयर ने माल यहाँ पे नहीं बेचा, एंड इसमें से आप देखोगे तो 47% की डिलीवरी ऐसी है जिसको डिलीवरी पे मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस होल्ड किया जाएगा। तो आंकड़े तो अच्छे नजर आ रहे हैं, कम वॉल्यूम डिलीवरी हाई, तो ये अच्छा संकेत हमारे लिए कि ज्यादा करेक्शन नहीं आएगा, करेक्शन भी आएगा तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे काम करेगा। क्योंकि पहले स्टॉक दोस्तों ऐसा नहीं कि स्टॉक RSI 80 एंड 90 के आसपास चल रहा है जो कि यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे 10-12% गिर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले से स्टॉक ओवरसोल्ड, कोई ओवरबोर्ड करंटली नजर नहीं आ रहा। PE स्टॉक का सही सिचुएशन पे देख सकते हैं, यहाँ पे PE हमें अराउंड दोस्तों 20 मतलब 35-30 के आसपास देखने को मिल रहा है, एंड इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग बता दूं मैं तो अराउंड यहाँ पे 4-5 पॉइंट का PE ज्यादा, जो कि कोई ओवर वैल्यूड हम उसको नहीं मानते। तो ये चीज आप ध्यान रखें, अभी के टाइम देखें दोस्तों बायर्स की बात की जाए तो 93 लाख सेलर है, 24 लाख हमें बायर देखने को मिल रहे हैं। वही दोस्तों आप देखोगे इंट्राडे चार्ट में तो देखो ओपनिंग स्टॉक की ठीक थी, ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे हमें वोलेटिलिटी देखने को मिली, एंड देखिए यहाँ पे सेलर आया, फिर यहाँ पे सेलिंग, और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो एक बड़ा कंसोलिडेट हमें देखने को मिला। देखिए दोस्तों अभी के टाइम लोगों को लग रहा है कि भाई ये फिर से गिर जाएगा, और यहाँ पे 150 के आसपास के लोगों की व्यू देखने को मिल रहा है कि भाई इतना गिर सकता है। देखिए इतने गिरावट के चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आंकड़े देखोगे तो बहुत अट्रैक्टिव आंकड़े आपको नजर आने वाले। मेन पॉइंट स्टॉक का PE कोई ओवर वैल्यूड नहीं है, एंड करंट टाइम पे स्टॉक ने दोस्तों डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो डिविडेंड भी कंपनी आपको जल्द यहाँ पे करेगी। वही नहीं बात ऑफर्स की, तो दोस्तों ऑफर्स अभी आने वाला नहीं है, ऑफर्स आपको कम से कम मान के चलो बजट के बाद देखने को मिलेगा जब गवर्नमेंट फ्री हो जाएगी। गवर्नमेंट एक बड़ा फंड जुटाएगी, 50,000 करोड़ के आसपास के अनाउंसमेंट कर रखी है, तो 50,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट यहाँ पे कंपनी से गवर्नमेंट जुटाएगी,
एंड ऐसा नहीं कि वो टोटली को फंस नहीं जुटाएगी, उसके दोस्तों पीआईबी से भी पैसा जनरेट करेगी, यहाँ पे दोस्तों आपके बड़े बड़े फंड से पैसा जनरेट करेगी। तो यहाँ पे वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग दोस्तों ओ फंस आने वाला है। देखिए एक लंबा समय स्टॉक ने कंसोलिडेट में बिताया, चांस है कि यहाँ से भी दोस्तों थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे बजट तक, एंड बजट के बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम दिखा दे, कम से कम यहाँ पे 40% की तेजी दिखा दे, जो हमारे टारगेट यहाँ पे 300 के। अगर कुछ अच्छा बजट मिलता है, रिकॉर्ड तोड़ बजट देते हैं इस बार गवर्नमेंट यहाँ पे, तो भाई जा सकता है 300 भी आराम से निकल जाएगा। मेन पॉइंट देखिए कंपनी 30% का एक अच्छा डिविडेंड भी देती है, वही दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। डाटा कंपनी का देखिए, इस डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बार बार यहाँ पे रोकने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए आज मार्केट में दोस्तों आपको प्रॉफिट बुकिंग देखनी है एक आध दो। देखो मार्केट के लीड करने वाले स्टॉक भले ही पॉजिटिव है, पर नॉर्मली अगर आप देखोगे जो स्टॉक यहाँ पे ज्यादा भाग चुके हैं, जो स्टॉक यहाँ पे सस्टेंस कर रहे थे, वो हमें गिरावट में देखने को मिले। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ज्यादातर स्टॉक दोस्तों हमें करेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। रेलवे के देख लीजिए, आपके एयरकॉन के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, वही आईएफसी आरएनएल दोनों यहाँ पे गिरावट में, आपका आईएफसी 1.5% की करेक्शन में। यहाँ से अगर डाटा बता दूं 54 का आरएसआई आ चुका है इस गिरावट के साथ, अगर गिरावट होती है तो आरएसआई 50 से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। जल्दी यहाँ पे आपको एक अच्छा रिवर्सल भी देता हुआ नजर आएगा। मेन चीज दोस्तों देखिए तेजी से पहले हल्का सा गिरेगा, और बता दूं मैं तो पिछले अगर 4-5 दिन से आप देखोगे तो आपको एक रेंज में दोस्तों यहाँ पे सस्टेंस होता हुआ नजर आ रहा है, ना तो बड़ी सेलिंग आ रही है ना ही कोई बड़ा बाय आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे मान के चलो कुछ गुड न्यूज आ जाती है तो दोस्तों एकदम से स्टॉक यहाँ पे मैं एक बड़ा जंप देता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी ये टाइम टोटली वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि बजट आ रहा है, बजट से पहले गलती करोगे पता नहीं बाद में अगर बड़ी रैली आ गई तो फिर पछताओगे। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर।